नमस्कार जयंत प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने जन डी एड एग्जाम में। उत्तर प्रदेश 2024 के लिए अपन हिंदी की क्लास लेके आ चुका हूँ, ठीक है। यूपी पुलिस 2024 हिंदी का टेस्ट है, ठीक है। ये अपना पहला प्रैक्टिस सेट है, ठीक। कौन सा ये पहला है, इस प्रकार से आप अपनी तैयारी को जान सकते हो। यदि चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखते इस क्वेश्चन का राइट आंसर सबसे पहले कौन कमेंट करके बता पाता। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई उसे क्या कहते हैं। शब्द कहते हैं, मात्रा कहते हैं, वर्ण कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ठीक है। क्या बोला आपसे, सबसे छोटी इकाई, तो सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी, वर्ण, ठीक है। वर्ण इसका क्या मतलब, टुकड़े नहीं किए जा सकते, ठीक है, टुकड़े नहीं कर सकते, ठीक है। वर्ण के टुकड़े नहीं कर सकते हैं, इस बात को स्पेशल ध्यान रखें, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो चुका है, बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ठीक है। कि हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं, हिंदी भाषा में आपको बताना है कि कितने स्वर होते हैं। 14 होते हैं, ठीक है, 11 होते हैं, 13 होते हैं, या फिर 5 होते हैं। जल्दी से बताइए कितने स्वर होते हैं। तो हिंदी जो भाषा है उसमें जो स्वरों की संख्या होती है वह होती है 11, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि इसके अपन डिटेल में बात करें तो डिटेल में एक बार इसको देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसमें मतभेद है। कहीं पर 11 भी आपको देखने मिलते हैं, कहीं पर 13 भी मिलते हैं। तो केंद्रीय जो हिंदी निषेधालय द्वारा, ठीक है, मानक हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी बताई गई, 11 बताई गई है, ठीक है। कौन कौन से हैं, आ बड़वा, ई बड़ी, ऊ बड़ो, और री ए बड़े, ठीक है, और ओ और औ। ये 11 जो स्वर हैं वो कैसे मूल स्वर हैं। इसके अतिरिक्त दो स्वर और हैं, उसे क्या क्या बोलते हैं। एक अनुस्वर जिसे आमस्ते अम बोला जाता है, और एक विसर्ग होते कहते जिसे आहा कहते, ठीक है। लेकिन इन्हें मूल स्वर नहीं, अयोग स्वर माना जाता है। क्वेश्चन बन सकता है कि अयोग स्वर किसे कहते हैं, तो आप आंसर दे सकते हैं आमस्ते अम और आदिवासी आहा, ठीक है, ये आपके लिए स्पेशल है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ठीक है। क्या बोला जाए, संज्ञा का आपको भेद बताना, संज्ञा का भेद नहीं है बताना, नहीं है बताना है, ठीक है। जल्दी से इस क्वेश्चन को बताइए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, या निजीवाचक, या भाववाचक, कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी, निजीवाचक, ठीक है, संज्ञा का भेद नहीं है। तो अब देखिए क्या हुआ है कि जो संज्ञा के भेदों के संबंध में व्याकरण एकमत नहीं है, जितने भी विशेषज्ञ हैं वो एकमत नहीं है, ठीक है। पर अधिकतर जो व्याकरण वाले संज्ञा के पांच वेद मानते हैं, कौन से भी कितने वेद, पांच वेद मानते हैं। कभी कभी क्वेश्चन बन सकता है कि संज्ञा कितने वेद होते, तो पांच वेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं वेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, और समूहवाचक, और द्रव्यवाचक, ठीक है, ये जो पांच वेद हैं माने जाते हैं, ठीक। और संज्ञा के वेदों में निजवाचक संज्ञा कोई उल्लेख नहीं है, ठीक, तो इसलिए इसका आंसर अपन ने दिया था निजवाचक संज्ञा। तो इसके कितने वेद होते हैं, पांच वेद, ठीक है, कौन कौन, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, और द्रव्यवाचक। इसको स्पेशल याद करके रखना, कभी कभी क्वेश्चन बन जाते कितने वेद होते हैं। तो चलिए बढ़ते आगे, गाय कौन सी संज्ञा है। अब गाय जो है भाई कौन सी संज्ञा है, बताइए, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, या फिर जातिवाचक संज्ञा है, या फिर भाववाचक संज्ञा है, या द्रव्यवाचक संज्ञा है, बताइए कौन सी संज्ञा है गाय। गाय जो है कौन सी संज्ञा है, वो है जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है, कौन सी जातिवाचक संज्ञा है। कौन, आप देख लीजिए जातिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण देख लीजिएगा, ठीक है। गाय जो जातिवाचक संज्ञा, तो अब जातिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण है, जैसे संबंधित व्यवसाय पदों के नाम पर, ठीक है, जैसे संबंधित भाई वो जातिवाचक, मंत्री जातिवाचक, ठीक है, और माली, ज्वाला और ठग, ये पदों के ऊपर हैं, ठीक है, तो ये जातिवाचक शब्दों के हैं। अब देखिए प्राकृतिक तत्वों के नाम पर आधारित, जैसे भूकंप क्या है, जातिवाचक है, सुनामी जातिवाचक, और ज्वालामुखी इत्यादि, ये कैसे जातिवाचक शब्द हैं। और पशुओं के नाम पर भी जातिवाचक, जैसे अभी अपने गाय का क्वेश्चन ही था, मोर भी होगा, घोड़ा होगा, तोता होगा, बुलबुल इत्यादि, ठीक है। यदि वस्तुओं के नाम पर जातिवाचक संज्ञा, तो घड़ी जैसे हैं, पुस्तक है, चारपाई है, कुर्सी इत्यादि, ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। क्वेश्चन आगे पूछे जा सकते इस प्रकार के, तो वो आपके सामने है। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन बताना है, ठीक है, एक वचन है, जल्दी से बताइए कौन सा एक वचन है, प्राण, दर्शन, ओठ और तेल। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर
डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी तेल एक वचन का उदाहरण है, ठीक है। तेल आप देख पा रहे होंगे एक वचन का और एक वचन है, जबकि दर्शन, प्राण और लोग और दाम, ओंठ, आंसू, अक्षत आदि सदैव बहुवचन में प्रयुक्त किए जाते हैं, ठीक है। ये जो ऑप्शन थे वो कैसे किए जाते हैं, बहुवचन में प्रयुक्त किए जाते, लेकिन तेल जो शब्द है वह एक वचन शब्द है, ठीक है। अब कवि का अपन को बहुवचन बनाना है, कवि का बहुवचन बनाना है, ठीक है। जल्दी से बताइएगा कवि का बहुवचन क्या बनेगा, ठीक है। कवि का बहुवचन बताइए क्या बनेगा, कवि वृंद, कवि गण, या कवि जन, या कवि वर्ग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगी, यानी बी कवि गण, ठीक है। इसका क्या बनेगा, बहुवचन बन जाएगा। तब कुछ उदाहरण देख लीजिए एक बार आप, जैसे कवि गण एक बहुवचन है, ठीक है। कवि का क्या है, कवि गण, और संज्ञा के पुल्लिंग स्त्रीलिंग रूप को बहुवचन के रूप में गण, वर्ग, लोग, वृंद, जन, पद आदि का प्रयोग किया जाता है, जैसे किस प्रकार किया जाता है, ठीक है। जैसे गण हो गया, वर्ग हो गया, लोग, वृंद और जन और पद का प्रयोग करके अपन इनको बहुवचन में बदल देते हैं। जैसे आप, तो इसका क्या हो जाएगा, आप लोग। अधिकारी, तो अधिकारी वर्ग बन जाता है, ठीक है। अधिकारी वर्ग देख लीजिए, ठीक है, ये वर्ग। अपन गण का प्रयोग किसमें किया, कवि गण में, ठीक है। अब वर्ग का प्रयोग कहाँ, अधिकारी वर्ग में, ठीक है। और आप लोग, आपका, आप में किसका किया अपन ने, लोग का, ठीक है। और पाठक, तो पाठक गण का प्रयोग हो चुका है। नारी, नारी वृंद, ठीक है, ये वाला वृंद, तो नारी वृंद। और स्त्री का स्त्री, जन, जन। इसी प्रकार से जैसे पद है, पदाधिकारी हो जाता है। इस प्रकार से अपन इनका प्रयोग बहुवचन में बदलने में किया जाता है। यदि आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डियर एग्जाम सर्च करके, वहाँ पर आपको सारी PDF फ्री आपको कोर्स दी जाती है, ठीक है। और यदि चैनल पर पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है, ठीक है, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।